मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एनडीए के 8 मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर देंगे। शपथ ग्रहण के 7 दिन बाद एनडीए सरकार के जिन मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा होगा उनमें भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा 6 अन्य मंत्री सम्मिलित हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा के अलावा मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जदयू से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव हम के संतोष कुमार सुमन एवं निर्दलीय सुमित कुमार सिंह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल के बाद बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तैयारी में मंत्रियों को समय मिल जाएगा। 12 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, 1 मार्च तक चलेगा। 12 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले बजट सत्र में 12 फरवरी को 11:30 में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वही विधानमंडल के सत्र के पहले दिन सरकार के द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेगी। 13 फरवरी को विधानमंडल में बजट पेश करेगी। हालांकि इस बार बजट सत्र काफी छोटा होगा, महज 11 कार्य दिवस में ही होगा। इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी काफी मजबूती स्थिति में है। विपक्ष के पास 114 विधायक है। बड़ी वजह ये है कि नई सरकार का गठन हुआ है एवं राजद महागठबंधन के विधायक नौकरी और जाति आधारित गन्ना सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि विधानसभा में देखिएगा, अभी तो खेल होना बाकी है। देखना होगा कि 11 दिन के इस बजट सत्र में बिहार की जनता के लिए क्या कुछ होने वाला है या पूरे 11 दिन का सत्र हंगामे भी भेर चढ़ जाएगा।